बीबीसी की वेदर गर्ल और साबिक वजीर आजम इमरान खान की साबिका अहलिया रेहम खान ने तीसरी शादी कर ली है। रेहम खान के नए शोहर का नाम मिर्जा बिलाल बेग है और वो उम्र में रेहम खान से 13 साल छोटे हैं। रेहम खान ने ट्विटर पर एक तस्वीर शाया करते हुए अपने मद्दाहों से अपनी नई इज्दवाजी जिंदगी के लिए दुआओं की अपील की है। रेहम खान ने बताया कि बिलाल उनसे उम्र में 13 बरस छोटे हैं, लेकिन वो उनकी दयानतदारी और सादगी से बहुत मुतासिर हुई है, इसलिए उन्होंने बिलाल को अपना नया जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया है। इंस्टाग्राम पर अपने शौहर और अपनी तस्वीर शेयर करते हुए रेहम खान ने लिखा है कि उन्होंने अपने लिए जीवन साथी चुन लिया है। बिलाल के साथ शादी के तस्वीर में रेहम खान ने सफेद रंग का लिबास पहना है, जो कि आम तौर पर यूरोप और अमेरिका की दुल्हनें शादी के मौके पर पहनती है। इंस्टाग्राम पर रेहम खान लिखती है कि चूंकि मेरे वालिदैन हयात नहीं है, इसलिए मेरे तमाम मदाहों से गुजारिश है कि वो मेरे आने वाली जिंदगी के बारे में नई ख्वाहिशात का इजहार करें। रेहम खान का कहना था कि उनकी तीसरी शादी कामयाब चलेगी। रेहम खान ने पहली शादी अपने कजन डॉक्टर एजाज से की थी, जिनसे उनके 3 बच्चे हैं। ये शादी 2005 में तलाक पर खत्म हुई। उनकी दूसरी शादी 2015 में साबिक वजीर आजम इमरान खान से हुई, लेकिन शादी के 10 माह बाद दोनों में तलाक हो गई। इमरान खान से शादी और फिर तलाक की वजह से रेहम खान को बेन अलाक्वामी शोहरत मिली। बिलाल मिर्जा बेग से रेहम खान ने तीसरी शादी इस शर्त पर की है कि उनके बच्चे उनके साथ रहेंगे। रेहम खान की इस शर्त को बिलाल ने मान लिया है। अब देखना यह है कि रेहम खान की ये नई शादी कितने अरसे चलती है।